सो वेल गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ग्रेनारो S11 प्रो जो माइक है गाइस, उसकी यहाँ पर अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए गाइस। कंप्लीट प्रोसेस इस माइक के बारे में हम जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, मतलब आउटडोर में ये कैसा है, इनडोर में कैसा है, नॉइस कैंसिलेशन कैसे करता है, और इसके सारे फीचर्स के बारे में पूरी डिटेल्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। बाकी अगर ये माइक आप परचेस करना चाहते हैं तो ये माइक आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या फिर नहीं होगा, ये नॉइस कैंसिलेशन कैसे करता है, ये माइक आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पूरी डिटेल रिव्यू आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ में माइक गाइस अभी हमने मंगवाया है तो उसकी अनबॉक्सिंग भी हम करने वाले हैं। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख सकते हो गाइस कि माइक्रोफोन हमारे पास आ चुका है। अभी इसकी मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स वीडियो बताने वाला हूँ। जैसे गाइस अभी फिलहाल जो है टेबल का थोड़ा अभाव है तो आपको इसी में एडजस्ट करना होगा, बाकी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। आप देखिए अभी इसे मैं यहाँ से ओपन करूंगा। वैसे इसी को निकालने में काफी टाइम लग गया है मेरे को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके अंदर जो हमारा माइक्रोफोन है वो आपको देखने को मिलता है गाइस। इसके अंदर बिल भी आपको दिया हुआ है तो इसे भी हम बाद में देखेंगे। फिलहाल देखना क्या है इसको, तो वही कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको मैंने रख दिया। अभी आप देख सकते हो कि माइक आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अभी बैक साइड में ये कुछ यहाँ पर QR वगैरह लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स है। साइड में भी आपको इसके बारे में एंड्रॉइड वर्जन और यूनिवर्सल वर्जन मिल जाता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिवर्सल वर्जन यहाँ पर जो है परचेस किया है कि वो फिलहाल बजट में आ रहा था। बाकी जो एंड्रॉइड वर्जन है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पर ये गाइस यूनिवर्सल वर्जन मंगा लिया। अभी यूनिवर्सल वर्जन में क्या होता है कि आप इसे एंड्रॉइड फ़ोन के अलावा गाइस आप इसे आईफोन में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये इसके बारे में कुछ है। बाकी ग्रेनारो का जो S11 प्रो माइक है ये आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर दो तरह से आप इसे बाय कर सकते हो गाइस, एक सिंगल यूनिवर्सल में, साथ में ये डबल यूनिवर्सल में भी आता है। इसमें आपको दो रिसीवर मिलते हैं, एक ट्रांसमीटर के साथ में दो रिसीवर, साथ में बॉक्स भी थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको। ये फिलहाल सिंगल यूनिवर्सल में है तो छोटा है। अभी मैं सिंपली इसको भी यहाँ से अनबॉक्स करता हूँ और इसके अंदर जो हमारा माइक्रोफोन है उसे हम देखेंगे गाइस। ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो है गाइस यहाँ पर निकलता है। ये फिलहाल ये ऊपर का बॉक्स है तो आप इसे साइड में भी कर सकते हो। इसके साथ में ये आपको यहाँ पर वारंटी कार्ड मिल जाता है ग्रेनारो की तरफ से। इसके पीछे भी आपको कुछ डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी जिन्हें आप देख सकते हो। फिलहाल इसे हम रखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह से पैकेजिंग के साथ आता है जो आप इजीली देख सकते हो गाइस। अभी इसमें आपको यहाँ पर ही आपका माइक मिल जाएगा, आपको वायरलेस माइक्रोफोन, जो कि कुछ इस तरह से पैकेजिंग होकर आया है आप देख सकते हो। बाकी इसमें आपको एक टाइप सी की जो चार्जिंग केबल है वो मिल जाती है, ये कुछ इस तरह से है यहाँ पर टाइप सी की केबल। और इसमें ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी हैं जो आप देख सकते हो, मतलब ज़्यादा नहीं है लेकिन इनसे आप पढ़ लोगे, मतलब इसे आप एक बार देख लीजिए तो आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी इस माइक्रोफोन के बारे में कि कैसे ये वर्क करता है। बाकी मैं आपको कुछ डिटेल्स तो बताने ही वाला हूँ। अभी आप देखिए कि इसे मैंने यहाँ पर ओपन किया तो इसे भी मैं साइड में रखूंगा। फिलहाल ये देख सकते हो कि ये यूनिवर्सल वर्जन के लिए है, मतलब अगर आप आईफोन में इसे कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी आपको ज़रूरत होगी। साथ में ये यहाँ पर टाइप सी की जो केबल है वो आपको देखने को मिलती है, तो इससे आप अपने जो वैसे चार्जिंग, मतलब ये चार्जिंग केस आप बोल सकते हो इसे, तो इसे आप चार्ज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ये डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आता है गाइस। साथ में नीचे आपको इसमें चार्जिंग का जो ये मिल जाता है टाइप सी का बोर्ड, आप इसके द्वारा इसे चार्ज कर सकते हो यहाँ पर गाइस। ये डिटेल्स तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, लाइक आप खुद ही कर लोगे। और अगर आप एक आईफोन यूजर हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है गाइस, फिर आपको ये यूनिवर्सल वर्जन के द्वारा ही आपके आईफोन में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए आपको अपने फोन में जिसमें भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो गाइस सिंपली आपको उसमें इसे अटैच करना है। यहाँ पर इसके अंदर आपको ट्रांसमीटर और रिसीवर मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं बता दूं कि आप नॉइस को भी कंपेयर कर सकते हो गाइस और वॉइस को भी कंपेयर कीजिए कि अभी ये जो माइक आ रही है या ये वॉइस आ रही है ये मेरे नॉर्मल फोन से है गाइस। अभी मैंने इसमें कोई भी माइक यूज नहीं कर रखा है, किसी भी कंपनी का माइक नहीं, ये मेरा फर्स्ट माइक्रोफोन है वायरलेस माइक्रोफोन। तो अभी मैं इसे भी कनेक्ट करूंगा और पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा। जैसे कि अभी देख सकते हो ये हमारा रिसीवर है, साथ में ये आपको ट्रांसमिटर देखने को मिल जाता है और इसके अंदर और ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि सिंगल यूनिवर्सल है, डबल यूनिवर्सल का भी आता है। अभी इसमें गाइस आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलती है, फिलहाल यहाँ पर शो नहीं हो रही है, जब चार्जिंग करेंगे तब हमें देखने को मिलेगी। तो ये माइक्रोफोन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, काफी प्रीमियम लुक देता है वैसे, लेकिन अभी हम वॉइस देखेंगे कि वॉइस कैसे देता है। तो मैं सिंपली अपने फोन में इसे अटैच करता हूँ फिर मैं आपको वॉइस बताता हूँ गाइस। तो अभी हमारा जो ट्रांसमीटर है और रिसीवर है दोनों ही कनेक्ट हो चुके हैं आपस में।
फिलहाल आप देख सकते हो कि जो अगर आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर आपस में कनेक्ट नहीं होंगे तो ऊपर आपको एक लाइट देखने को मिल रही है, ये जो है गाइस ब्लिंक करेगी। लेकिन अगर ये ब्लिंक नहीं कर रही है तो आप समझ सकते हो कि ये जो है गाइस कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के साथ में। अभी इसमें भी गाइस आप तीन तरह से नॉइस को कैंसिलेट कर सकते हो, मतलब इसमें थ्री लेवल ऑफ नॉइस कैंसिलेशन आते हैं। और इसमें जो आपको पावर बटन है इसके द्वारा आप इसे कंट्रोल कर पाओगे। अगर फर्स्ट बार प्रेस करोगे तो ये फर्स्ट लेवल पर आ जाएगा, अगर आप दोबारा से प्रेस करोगे मतलब एक एक बार ही प्रेस करना है, अगर साथ में आप एक साथ दो बार प्रेस करते हो तो जो आपकी वॉइस है वो म्यूट हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको बटन मिलता है, मैं यहाँ पर इसको एक साथ दो बार प्रेस करूंगा और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो माइक है ये यहाँ पर बंद हो चुका है। फिलहाल वॉइस भी बंद आ गई होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे दोबारा से करूंगा। मैंने दोबारा से किया, अभी माइक्रोफोन की जो मेरी आवाज है वो आपको देखने को मिल रही होगी। और अभी आप इस वॉइस कंपेयर कर सकते हो, जो पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा था वो बिना माइक्रोफोन के रिकॉर्ड कर रहा था और अभी इस माइक्रोफोन के द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे गाइस कुछ टेस्टिंग कर लेते हैं, इसे मैं अपनी कॉलर में लगाता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देख सकते हो कि हेलो, तो कैसी आवाज आ रही है आपको? बढ़िया आ रही होगी, लेकिन थोड़ी अगर बेकार भी आ रही है तो एडजस्ट कर सकते हो। बाकी आप देख लीजिए इस तरह से वर्क करता है। अभी अगर नॉइज कैंसिलेशन पर हम जाते हैं, वैसे गाइस अभी मेरे आसपास जो है मैं रूम में हूँ तो कोई भी नॉइज आपको देखने को नहीं मिल रही होगी, हालांकि थोड़ी बहुत आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अगर नॉइज कैंसिलेशन की तरफ चलते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पर अगर मैं इसे सिंगल प्रेस करूंगा तो लाइट एक बार ब्लिंक होगी, मैं इसे दोबारा से प्रेस करूंगा ये अभी फर्स्ट नॉइज कैंसिलेशन मोड पर आ चुका है, मैं इसे एक और बार सिंगल प्रेस करूंगा तो लाइट जो है दो बार ब्लिंक होगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए दो बार ब्लिंक हुई होगी और अभी ये सेकंड नॉइज कैंसिलेशन पर आ चुका है। और अगर मैं एक और बार क्लिक करूंगा तो ये तीन बार ब्लिंक होगी, जो आप देखिए गाइस। अभी मैंने एक और बार क्लिक किया तो यहाँ पर ये थ्री टाइम ब्लिंक हुई होगी, तो आप देख सकते हो। अगर आप माइक्रोफोन को एक साथ थ्री बार इस बटन को आप क्लिक करोगे तो आपकी जो वॉइस है गाइस वो यहाँ पर डबल आ जाती है, ऐसा करके कुछ है। मैं यहाँ पर इसे तीन बार प्रेस करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। आप देखिए एक दो और तीन, तीन बार मैंने क्लिक किया, मतलब ऐसे ये नहीं एक साथ आपको प्रेस करना होगा, तो मैं यहाँ पर एक साथ इसे प्रेस करूंगा और आप देखिए कि यहाँ पर जो अपना एक और लाइट थी वो भी यहाँ पर चल चुकी है। और अगर आप इसे दोबारा से ऑफ करना चाहते हो तो दोबारा से आपको सेम करना है, एक दो तीन, तीन बार प्रेस करना है ये ऑफ हो जाएगा। क्योंकि गाइस इंडोर में ये कुछ इस तरह से आती है इसकी आवाज। अभी अगर आप आउटडोर में टेस्ट करना चाहते हैं तो चलिए वो भी हम टेस्ट करते हैं गाइस। अभी आप देख सकते हो गाइस कि अभी हम इंडोर में आ चुके हैं और जो पिछली वीडियो आपने देखी है तो उसमें क्या हुआ गाइस कि मेरा जो कैमरा है वो सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अभी आप जो है वॉइस मेरी सुन पा रहे हैं ये इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। और जो उसके फंक्शंस मैंने आपको बताए थे वो सेम है गाइस। इसमें आप डबल टैप करोगे तो आपका जो माइक है वो म्यूट हो जाएगा, जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। ये मैं अभी बता चुका हूँ वीडियो में, लेकिन उसमें मेरा जो कैमरा है और माइक ने जो है गाइस सपोर्ट नहीं किया था। हालांकि अभी ये जो आवाज़ आप देख रहे हो ये इसी माइक्रोफोन से आ रही है और इसमें जो मैंने तीन बार बटन दबाने पर जो इको मोड हमारा ऑन हुआ था वो वर्क करता है गाइस। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर तीन बार प्रेस करूँगा, एक दो तीन, तीनों को मैंने एक साथ प्रेस किया और अभी आप वॉइस सुन पा रहे होंगे कि जो आवाज़ है वो डबल डबल आ रही होगी। तो फिलहाल मैं इसे ऑफ करता हूँ, तो दोबारा से तीन बार मैं इसे दबाता हूँ और इसमें जो है गाइस नॉइस कैंसिलेशन के थ्री लेवल आते हैं जो मैंने अभी आपको बताए ही हैं। तो उन लेवल्स को चलाने के लिए आपको जो है आपको पावर बटन देखने को मिलता है, इसको एक बार दबाना है तो इसमें जो एक लाइट आती है वो ब्लिंक करती है। अगर दो बार ब्लिंक करती है तो आप दूसरे लेवल पर हो, तीन बार ब्लिंक करती है तो आप तीसरे लेवल पर हो। ये डिटेल्स मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें मेरा माइक्रोफोन वर्क नहीं किया था तो इसलिए मैंने आपको दोबारा से गाइस इसके बारे में बताया है। अभी गाइस ये जो माइक्रोफोन है ये आपको जो है गाइस यहाँ पर 30 मीटर तक की जो वॉइस है ये कैप्चर करता है, मतलब अगर मैं काफ़ी दूर भी हूँ और इसी के द्वारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन थोड़ी दूर भी है तब भी ये रिकॉर्ड कर पाएगा। तो अभी गाइस मैं यहाँ पर आपको दूर जाके बताता हूँ, तो मैं यहाँ पर दूर जा रहा हूँ अपने कैमरे से। अभी आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर दूर जा रहा हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पर और आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे जो कि आप देख सकते हो। अभी मैं लगभग इससे यहाँ पर 30 फीट की दूरी पर हूँ और अभी मैं कुछ और दूर आपको जाके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, और अभी तक अगर मेरी वॉइस कैप्चर हो रही है इसमें तो ये आपके लिए एक अच्छा माइक्रोफोन सिद्ध हो सकता है गाइस, मतलब आपको ये बजट माइक्रोफोन लग सकता है जो कि आप देख सकते हो। और कुछ टाइम में यहाँ पर जो है गाइस अपनी आवाज को कम भी करता हूँ, मतलब मैं अभी चुप हो जाता हूँ और आप इसमें आवाज सुन सकते हो गाइस। और अभी ये गाइस नॉइस रिडक्शन जो लेवल 1 पर है इसे आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर मैं एक बार बटन दबाता हूँ तो अभी ये दूसरे लेवल पर है जो कि आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। बाकी डिज़ाइनिंग इसकी बढ़िया है, आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है।
सिंगल यूनिवर्सल मैंने ऑर्डर किया था, इसकी आवाज़ जो है गाइस मैंने अभी सुनी भी थी तो काफ़ी बढ़िया मेरे को लगी। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप इजीली इसे परचेस कर सकते हो गाइस, अमेजोन से परचेस कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे वहाँ से जाके आप इसे बाइक कर सकते हो। ये ग्रेनारो का S11 Pro जो माइक है वो है गाइस। वीडियो अच्छी लगी गई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहे।